ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट टाइम अभी इस प्रोग्राम को बनाया तो क्वेश्चन आया, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे वो, कि सर यहाँ पे लिखते हैं आप एंटर द नंबर दैट यू वांट टू सर्च, और आप एक नंबर सर्च करते हैं 32, वो तो बता देता है 32 कौन से इंडेक्स पर। ठीक है, मगर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर 32 मल्टीपल टाइम्स हो, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 32 एक और है, यही क्वेश्चन था सर्चिंग में, तो फिर क्या होगा, तो क्या आंसर होगा आप लोगों का, क्या होना चाहिए। सो पहला वाला सर्च करके बताएगा वो फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है, कौन सा सर्च करके बताएगा वो, फर्स्ट वाले का इंडेक्स बताएगा। तो देख लो अभी भी F11 मैंने प्रेस किया, अच्छा अभी ये एरर दे रहा है जस्ट बिकॉज कि इसका साइज जो है एरे का 6 हो चुका है ना। तो अब यहाँ पे भी मैं ज़रा लूप में थोड़ी तब्दीलियाँ कर दूँ। ओके F11, अब देखो इंटर द नंबर दैट यू वॉन्ट टू सर्च, तो देखो कौन सा वाला बता रहा है ये सर्च करके, अभी भी फर्स्ट वाला बता रहा है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि सर मैं चाहता हूँ लास्ट वाला बताए, तो क्या करना चाहिए, सजेशंस कोई बताएं क्या होगा, लास्ट वाला 32 सर्च हो, ये तो फ्रॉम द फर्स्ट फ्रॉम द बिगनिंग सर्च कर रहा है ना, लास्ट इंडेक्स से सर्चिंग करते हुए कैसे आएगा, रिवर्स लूप चला देंगे, सिंपल सी एग्जांपल, मतलब कई दफ़ा पढ़ा है हमने यार इसको। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक और फंक्शन बना ले, एक और फंक्शन बना लेंगे इसका। तो देखो यहाँ पे ये फंक्शन है, कोट काफ़ी खुला खुला हो गया, स्पेस ज़्यादा हो गया ना। ओके सही, अब इस कोट को ही कॉपी करो, नीचे लास्ट में पेस्ट करो, और इसका नाम रख दो रिवर्स सर्च। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू 6 से स्टार्ट होगी, एंड आई शुड बी ग्रेटर देन, अच्छा 6 से स्टार्ट नहीं होगी, आई की वैल्यू कहाँ, हाँ 6 से होगी, बट आई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एरे का साइज अगर 6 है तो यहाँ से 5 से शुरू होना चाहिए ना, 6 वाला तो इंडेक्स ही नहीं है हमारे पास, तो 5 से शुरू होगी और ग्रेटर देन इक्वल टू, सही है। तो ये रिवर्स लूप की कहानी हो जाएगी हमारी, सही है? तो अब मैं यहाँ पे इसको रिवर्स लूप के थ्रू सर्च करवा के दिखाता हूँ। तो इस फंक्शन का नाम क्या है, रिवर्स RV लगा हुआ है सिर्फ इसके शुरू में, कंट्रोल C, और जहाँ पे इसको कॉल किया है वहाँ पे ये लगा दिया बस। ठीक है, और इसकी डिक्लेरेशन भी तो ऊपर देनी पड़ेगी ना कि हमने कैसा मेथड बनाया, Ctrl+S F9, कोई कंपाइल एरर नहीं है, F11 सर्च करवाते हैं 32, कह रहा है 117 इंडेक्स पर, कुछ गड़बड़ दे रहा है, यानी ऐसा तो कोई इंडेक्स है ही नहीं ना हमारे पास, 117 इंडेक्स, तो चेक करते हैं, क्लास एरर मिला, ये देखो एरर क्या है, ऑब्वियसली जब यार लूप को डिक्रीमेंट भी तो करना पड़ेगा ना, रिवर्स चलाया, अब चला के देखते हैं, आई होप कि अब तो नहीं होगा एरर। 32, हाँ बिल्कुल नहीं है, 32 कहाँ पे फाउंड हो रहा है इसको, फोर्थ इंडेक्स पे, तो चेक करते हैं फोर्थ इंडेक्स पर ही है सेकंड जो लास्ट फ्रॉम द लास्ट जो सर्च हो रहा है। हाँ जी, तो ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, तो ये फोर्थ इंडेक्स के ऊपर ही है, सही है। 54 सर्च करें तो 54 कहाँ पर आएगा, ओके कर देते हैं 54 सर्च, F11 54 फिफ्थ इंडेक्स पर, इंडेक्स चेंज ही करेगा, तुम लोगों के जहन में शायद ये क्वेश्चन आ गया होगा कि वो यहाँ से सर्चिंग कर रहा है तो उसको वो जीरो इंडेक्स कहेगा, नहीं, गली में जो घर है ना ये पहला वाला हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 ही रहेगा, चाहे तुम गली उल्टी घूम कर आ जाओ, तुम वहां से आओ और यहाँ से हाउस नंबर 1 शुरू होता हो तो तुम क्या कहोगे, वो वाला हाउस नंबर 1 है, ऐसा तो नहीं होगा ना, आप उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हो, तो ये हाउस नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी है वो वही रहेंगे, आपने डायरेक्शन चेंज की अपनी सिर्फ, ठीक है, थोड़ा क्लियर है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है इस लिहाज से, अब फंक्शन तो एक वैल्यू रिटर्न करता है, फंक्शन का क्या मतलब होता है कि आप उसको एक इनपुट दो, एक या एक से ज़्यादा इनपुट दो और वो आउटपुट सिर्फ एक देता है, फंक्शन की ये डेफिनेशन है। अब मैं चाहता हूँ कि जितनी जब दफ़ा 32 यहाँ रिपीट हुआ है वो बताता जाए कि 32 फर्स्ट इंडेक्स पर है, 32 फोर्थ इंडेक्स पर है, या फिर कहाँ कहाँ पर है, ठीक है,
जैसे सर्चिंग में एक फाइल रखी होती है, आप उस फाइल को सर्च करते हो, वो बताते हैं यार इस डायरेक्टरी में ये फाइल यहाँ यहाँ मौजूद है, ऐसा ही होता है ना। अब ये प्रोग्राम करना है और फंक्शन से ही अचीव करना है इसको, तो कैसे होगा ये? ठीक है, तो ये आपका टारगेट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूँ, तब तक ट्राई करें।